भारत का पहला AI शहर बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा लखनऊ में। भारत का पहला AI शहर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ में भारत की पहली AI सिटी बनाने की योजना को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम उठाया है। इसका आकार लगभग 137 बिलियन डॉलर का होगा। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो यह जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। शुरुआत सन 2000 में हुई थी। स्थापना जो है यह 1909 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय तथा गियानी इन्फेंटो इसके अध्यक्ष हैं। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर क्या है? तो यह है वीर मंगाई बेलू नाचियार। हाल ही में अमित शाह जी ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है चंडीगढ़ में। हाल ही में किसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का उड़ान का परीक्षण किया है? तो यह किया है DRDO ने। DRDO की स्थापना 1958, मुख्यालय दिल्ली तथा अध्यक्ष समीर बी कामत है। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 26 दिसंबर को। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने मणिपुर राज्य सरकार से हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने सांस अभियान की शुरुआत की है? तो यह की है मणिपुर ने। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री NB सिंह, राज्यपाल जो है वो अनुसुईया उइके, झील जो है लोकटक झील, नेशनल पार्क कामुलाम जाओ नेशनल पार्क है। हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? तो यह दिया गया है अतुल राय को। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो यह दिया गया है जान फांसी। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए चुना गए हैं अनिरुद्ध कनिश्रेष्ठ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यह किया है सूरत में।